नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। एबी डिविलियर्स नए शॉट के आविष्कारक मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर, एक ऐसा खिलाड़ी जिनकी किताब में हर शॉट मौजूद है, वो भी बेहतर तरीके से। एबी डिविलियर्स मैदान के कोने में कभी भी किसी भी गेंदबाज की बखियां उधेड़ कर रख सकते हैं, और ऐसा करते हुए हमने उन्हें कई बार देखा है। एबी डिविलियर्स ने न जाने कितने शॉट ईजाद किए हैं, और उन्हीं को देखते हुए कई बल्लेबाजों ने ऐसे शॉट लगाने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने एबी डिविलियर्स के शॉट को सीखा है, और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जो चौका लगाया, जिसे देख सैम करन भी हैरान रह गए। छठे ओवर में सैम करन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने लैप शॉट लगाया। शॉट फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने चौका भेजा। रोहित शर्मा ने गेंद की लंबाई को पहले ही भांप लिया था, इसलिए अपना बायां पैर को उन्होंने आगे किया, घुटने के बल झुके और बल्ले को लेग साइड की तरफ घुमाया। गेंद में ज़्यादा गति नहीं थी, तो फाइन लेग के ऊपर से रोहित ने लैप शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शिखर धवन भी रोहित के इस शॉट पर चौंक गए। हालांकि पैडल स्वीप शॉट एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर ज़्यादा मारा करते थे, बाद में हम लोगों ने एबी डिविलियर्स को इस शॉट में थोड़ा फेर बदल कर गेंद को छक्के के लिए भेजते हुए देखा। इस शॉट पर रोहित का भी छक्का हो जाता, लेकिन गेंद बाउंड्री के अंदर ही जाकर गिरी। बहरहाल, रोहित शर्मा पहले मैच में 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 43 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान ओयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।